ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। फिर से सभी मिलकर के प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा फिर क्या बोलेंगे? मेरा बाबा, समझ गए हो ना? मेरा बाबा कौन है? परमात्मा मेरा बाप है। हाँ परमात्मा, हाँ जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, सबको उसको ढूंढते हैं, कहाँ है, कैसा है, पता चला भगवान कौन है? हाँ पता चला ना? जो जानते हैं परमात्मा कौन है हाथ उठाओ। अच्छा बड़ी अच्छी महानात्माएं हो गए, गुरु बने हैं, शास्त्र सुनाते हैं, ले पूछो परमात्मा को जानते हैं? और आप कहते हो हाँ हम जानते हैं, सच कहते हो? यही परमात्मा बाप आत्माओं को बताते हैं, तू आत्मा है, तुम मेरी संतान है, मेरे घर से या आए हो, नाटक में पाठ पर बजाया है, पहले सत्व प्रधान थे, सत्व रजो तमो में अभी क्या बन गए? रावण के माया के वश हो गए, परमात्मा दास से बिछड़ गए, देह के विकारी कर्म देह में होते विकारी कर्म बंधन में फंस गए, विकारी कर्म बंधन में फंस गए। अब यहाँ सीखने को मिला होगा शिलुबन से कर, विकारी कर्म बंधन में फंसे हुए थे, यहाँ तीन दिन सुन करके विकारी कर्म बंधन से मुझे फ्री होना है, कोई विकार बस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों है नरक के द्वार। समझा? समझा? पांचों विकार है नरक के द्वार, अगर वो स्वर्ग में चलना है ना, पांचों को मारो खत्म करो, न मोह रहे न ममता रहे न अहंकार रहे न लोभ रहे न क्रोध रहे। ये तो नहीं समझा, यहां करके शांति वन में बैठे सुनते सुनते, सुनना है कानों से, आंख खुल गई है नहीं, ये आंख खुल गई है, तीसरा नेत्र मिल गया है, क्या करना है? मैं आत्मा हूं, ये देह से न्यारी हूं, आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है, मास्टर हूं, गुलाम नहीं हूं। मन कर्म दिनों के जैसे मन चाहे भटके वैसे नहीं भटकेगा, अभी नहीं जा सकता है मन। कर्म इंद्रिया कहेगी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए खाना चाहिए ये चाहिए, चुप। मन कहेगा शांत, चुप। तो गीता में कहते मन कर्म इंद्रियों को जीत, तो यहां खाना तो खाते हो ना, खाना मिलता है ना, कैसा खाते हो? शुद्ध जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसे पानी में से वाणी। अब ये पानी पियो जितना पियो, वो पानी पियो सिगरेट पियो, कैसी शिकल होती है सिगरेट पीने वाले को, मांसाहारी की शिकल, शराब पी। मैं वो नहीं हूं, इतना अच्छा भगवान हमको बनाने चाहता है,
कहते हे आत्मा, हे आत्मा तुम बहुत भटकी हो, विकारों के वश हो गई हो, विकारों ने तुमको अपने वश में कर लिया है, दुनिया जैसे देखते हो वैसे तुम करते हो। चोरी भी आज मैंने सुना खास चोरी करने की ट्रेनिंग मिलती है, किसी ने सुनाया मेरे को चोर होशियार चोरी करने में कैसे होते हैं, ऐसे जो किसको पता न चले चोरी कैसी किया, अनुभवी हो जाते चोरी करने के, अपन जैसे टीम बना देते हैं और अपन को क्या करने का, ये करने का, कोई झूठ बोलते हैं सच बोलने की ताकत नहीं है, कोई ठगी करते हैं दिखाते एक कह देते दूसरा है, और चौथा पाप कौन सा होता है, निंदा, किसकी निंदा करना, निंदा सुनना। अभी ये यहां बैठे ये चार पाप तो नहीं करेंगे ना, हाथ उठाओ जो जो पहले सुनो सुनो, तीन दिन पहले जो करते थे झूठ बोलना, थोड़ा भी थोड़ी चोरी करना, ठगी करना, निंदा करना, जो सब हम करते थे हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची हाथ उठाओ, नहीं उठाते हैं, माना छिपाते हैं, नहीं धीरे धीरे उठा रहे, धीरे धीरे उठा रहे, धीरे धीरे उठा रहे। निंदा तो जरूर करेंगे, कोई मेरी निंदा करेगा मैं सुनने की थोड़ी बैठ के, मैं भी कहेंगी ये भी ऐसा है, इतनी छोटी सी चोरी की ना, तो भी भगवान मेरा बाप मैं चोरी करूं, चोरी किया हुआ खाऊं या खिलाऊं, नहीं करेंगे, मैंने सारी लाइफ में नहीं किया है, न खाएंगी न खिलाएंगी न पहनेगी, एक पेंसिल भी चोरी नहीं की होंगी कभी, पेंसिल भी लेंगी न पूछ के लेंगी, भाई तुम्हारी पेन मुझे दो तो लिख लो, इतना सच्चा बनने वाला सदा सुखी रहेगा, परमात्मा पिता है ना, परमात्मा है ही सत्य, सत्य है, सत्य है, सत्य है तो बड़ी उसमें शक्ति मिलती है, सर्वशक्तिवान है ना, एक परमात्मा सत्य है, दूसरा सर्वशक्तिवान है, हमको पापों से बचाने के लिए खत्म करने के लिए भी शक्ति वो देता है, अच्छा बनने के लिए भी शक्ति देता है, आज के संसार में अच्छा बनना सहज नहीं है, न मां बाप ने ऐसी शिक्षा दी है, न पढ़ाई में ऐसा संग मिला है, न दुनिया का वातावरण ऐसा जो मैं अच्छा बन जाऊं, कैसे बनेगी, किसको देके बनूं, कोई मिसाल है ही नहीं, जहां देखो अभी अहमदाबाद, यहां से अहमदाबाद जाओ बॉम्बे जाओ का कितनी एडवर्टाइजमेंट, कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, पतला कैसे बनो, ऐसे कैसे बनो, फलाना कैसे करो, ये ऐसे करो, सारे विश्व में एडवर्टाइजमेंट कौन सी, बड़े बड़े बोर्ड लगे पड़े हैं, कौन से है अच्छा बने, ऐसे बनने की है बोर्ड, कोई कोई है, कहां है पता नहीं, जो किसकी आंख खुले ना ये बनना है, बाकी अभी नंगी नाजान देख करके असल इतना अंदर से इतना खराब लगता है, सारी भारत की इज्जत गई है, बाबा ने ऐसे पहनना सिखाया है, ऐसे चलना सिखाया है,
ایسے بال ایسے کبھی ہم بال کا بالوں کے سنگار کرنے کبھی عقل ہی نہیں ہے, کوئی شاپنگ کرنے کا عقل ہی نہیں ہے, ایک جوتا یہ پہنا دوسرا یہ پہنا وہ پہنا. ارے کیا کرتے ہو, ابھی یہاں آئے ہو نا, کیا بننے کے لیے آئے ہو؟ شدھ شانت اچھا, کام نہیں, کوئی کرودھ نہیں, کوئی لوبھ نہیں, کوئی موہ نہیں, اہنکار نہیں. بابا آپ نے تو ہم کو اپنا بنا کے کتنا اچھا بنا رہے ہو, شکریہ بابا. اب بولو شکریہ بابا. کیا کر رہے ہو؟ حیوان سے انسان بنا رہے ہو, انسان سے دیو بنا رہے ہو. پہلے ہم حیوان جیسے تھے, سمجھتے ہوئے بھی فالتو پیسہ خرچ کرنا, ٹائم خرچ کرنا, برے سنگ میں ٹائم گمانا, یہ کرتے تھے. اب کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ جو آپ سکھا رہے ہو نا وہی کریں گے. سویرے سے رات تک بھلے بابا کہتا ہے شائن وارت کام کرو, تو یاد میرے کو کرو. کوئی چنتا ممتا والی اندر چنتا بھی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, بھیا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ ہونے جائے, پتہ نہیں یہ ہو جا رہا ہے. کرم میں رہو, سمبند میں رہو, چنتا دکھ بھیا سے مکت رہو. ہمت وشواس اور سچائی, یاد رہے گا نا, بھول جائیں گا. ہمت بچے کی مدد ہے, باپ کی پرماتما کی بہت مدد ہے. ہم کیا کہیں گے بھائی, مدد تو کیا, اس نے اتنا اچھا بنایا ہے جو ہم کہتے ہیں جیسے میرے کو بنایا ہے نا سب بن جائے. ہم کیا چاہتے ہیں, تم کیا چاہتی ہو؟ جیسے بابا نے شیلو کو چھوٹنی تھی سنگ کے رنگ میں, آپ کو کتنا سکھایا ہوں گا میں جانتی ہوں, کہاں سے سیکھی, ایم رکھا جیسے یہ بننے ہیں ویسے ہم بھی بنوں. ان کے اندر میں سارا یہ ہے, یہ 70 سال میں بنے ہیں تو میں 40 سال میں نہیں بن سکتی ہوں کیا؟ یہ 40 سال میں بنی ہے, آپ 4 دن میں بن جائیں گے. کیا بڑی بات ہے, اتنا بڑا سودا, حیوان سے انسان, انسان سے انسان کیسا ہو, دو پاؤں انسان کو ہے نا, حیوان کو ہے کیا دو پاؤں؟ کھڑا ہو سکتا ہے, ہاتھ سے کام کر سکتا ہے, حیوان ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہے, نہ کام کر سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. اس بیچارے کو جیسے جو چلائیں گا ویسے چلیں گا, اس کو گھاس دیں گے کھائیں گا. اب میں لندن میں ہوتی ہوں نا, وہاں ہمارا ریٹریٹ سینٹر ہے, دیکھتی ہوں ایک گھوڑا ہے اچھی طرح سے, تو گھوڑے کو سنبھالنے والی جو مالک ہے نا, بڑا گھوڑے کو پیار سے آ کر کے وہاں بٹھاتے ہیں, بیچارہ سیر کرتا ہے, اچھی طرح سے گھاس کھاتا ہے. ابھی دیکھا اس کو پانی کا بھی ایک ٹینک بنا کے دیا ہے, ابھی اس کو بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ اور ماں کر کے وہ گھوڑا گھوڑی اور بچہ اچھی طرح سے آرام سے اس کو سنبھالتے ہیں, تو گھوڑا میرے کو دیکھ خوش ہوتا ہے, میں اچھا چلا اچھا لگتا ہے اس کو اچھا دیکھنے والا کوئی ہوئے نا, نہیں تو حیوان بیچارے کو کوئی کون دیکھے گا. اب میں پیدل کریں گی وہ دوڑتا دوڑتا سامنے آئے گا باؤنڈری کے آگے. ابھی بھگوان نہیں ہے, ارے تم انسان ہو, سدا مسکراؤ تو صحیح نا, مسکرائیں گا کون؟ جو کہیں گا بابا مجھے سب کچھ دیا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. کوئی مشکلات بات آتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, جس میں سہن شکتی ہے, سنتوش رہنے کا
भगवान से वरदान है, बस दो जोड़ी कपड़े की है ना, मैं संतुष्ट हूं। दो ने तीन रखेंगे हम, पहले हम तीन के जोड़ी कपड़े के रखते थे, एक धुलाई करो तीसरी पहनो, दूसरी पहनो तीसरी रखो, बस खाना सिंपल खा। अभी आप लोगों को तो भिन्न भिन्न खाना खिलाते हैं, हम तो बिल्कुल सिंपल खाना खाते थे। अपने जीवन को सिंपल रख करके सैंपल बनना चाहिए ना? तो जो हम करें, जैसे हम सिंपल रहेंगे ना, हाँ सफाई से रहेंगे। यहाँ देखेंगे ना सफाई कितनी है, मैं किसके घर में जाती हूँ, कभी तो इंडिया में भी जाती थी विदेश, घर में कैसे रहते हैं। मैं तो एक मिनट भी हाँ मैं जाती हूँ, कहा क्यों दादी बैठो, अरे वास्ट डिफरेंट है। सफाई से रहना अकल नहीं है। हम कपड़ा भी धोना सीखे थे, ऐसे धुलाई करते हैं, देखो मेरे जैसा व्हाइट कपड़ा किसका है, है किसका, कैसे पहनते हो ये कपड़े, कैसे लगता है। सच्चाई से रहना, सच्चाई सफाई सादगी। तो एक ओम शांति, दूसरा बाबा। ओम शांति से क्या होता है, शांत हो जाते हैं। बाबा कहने से क्या होता है, बुद्धि ऊपर चली जाती है। जब बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, तो ऊपर वाला सच्चाई सच्चा है ना बाप, हिम्मत आ जाती है, अपन में विश्वास बैठता है, अभी मुझे अच्छा बनना है, अच्छा मैं बनूंगा, तो बनने का एम रखूंगा, भगवान बनाएगा, विश्वास है। तो दुख चिंता भय को अभी से छोड़ना है, मन से कोई दुख मिला हुआ है ना, भूल जाना, किसकी चिंता नहीं करना। आगे कुछ बुरा किया है तो डर लगता है, अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो डर नहीं रहेगा। मनुष्य छोटा है या बड़ा है, बच्चा है या बूढ़ा है, जिसमें गुण अच्छे होते हैं ना, कर्म अच्छा होता है ना, उसके लिए ऑटोमेटिक अंदर प्यार पैदा होता है। भले अपना संबंधी है न संबंध है, अच्छे गुण और कर्म से अपने जीवन का हो, लगता है मेरे जीवन में भगवान इतनी शक्ति और भी दे, तो मेरे में कोई अवगुण न हो, मेरे से ऐसा कोई कर्म न हो, मेरा जो विवेक अंदर से गिल्टी महसूस करे, क्यों कर्म, मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है, बुरे कर्म करते भी अंदर महसूस भी करते गलत है, फिर भी छोड़ते नहीं है, कर्म आदत पड़ गई है। तो अभी अपने आप को ऐसे आदतों से भी फ्री करना है, समझा, फालतू बातों में सुनना आदत होती है, टेलीविजन देखना आदत होती है, अखबारों में पढ़ना आदत है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट है। अपना समय जो है ना, जितनी अच्छी बात तो यह सुनी, मनन चिंतन किया, शांति में बैठे, अंदर धारणा अच्छी हुई, भगवान कहेंगे ये समझदार बच्चा है। भगवान बच्चा कहता है, सब मेरे बच्चे हो, पर जो आज्ञाकारी होता है, वफादार होता है, ईमानदार होता है, वो प्यारा लगता है। तो मैं जहां भी होंगी कहेंगे आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, पांव को हाथ लगा, मैं पांव को हाथ नहीं लगाओ, आशीर्वाद मांगो नहीं, कभी हमने भगवान से आशीर्वाद मांगी नहीं है। अच्छी आत्मा को भगवान आशीर्वाद अपने आप करता है,
जिस राम को संसार में रहते हुए इच्छा और ममता, ममता है मोह, इच्छा है ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो तीन प्रकार की चाहिए। हर एक दिन सारा दिन ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। हाँ, जब चाहिए चाहिए नहीं मिलता है तो असंतुष्ट है। बच्चा है चाहे बूढ़ा है, मेरे को टेलीविजन चाहिए, मुझे को ये चाहिए, मुझे को अच्छा चश्मा चाहिए, मुझे ये चाहिए, न मिला या इनको है मेरे को नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य संकल्प कैसा चलेगा। दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा तो चाहिए ना, संसार में रहते हैं थोड़ा तो चाहिए ना। भगवान कहते तो अच्छे अच्छे कर्म करो, जो तुमको आवश्यक है वो मिलेगा। कर्म तो अच्छे करो ना, कर्म नहीं करते हैं सिर्फ चाहिए चाहिए में समय गमाते हैं, या औरों को शिक्षा देते हैं खुद शिक्षा पर नहीं चलते हैं। तीसरी बात, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए सारा दिन। अरे तुम्हारा क्या जाता है, तुमको क्या करना है वो तुम कर लेना। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहिए नहीं कहेंगी, चाहिए शब्द कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा, प्रभु का प्यारा बच्चा बनने नहीं देगा, दुनिया में एक अच्छा मिसाल बनने नहीं देगा। अगर अच्छा मिसाल बनना हो जो आपको देख करके औरों को प्रेरणा मिले, मैं भी ऐसे बनूं, बन सकता हूं। तो मैंने देखा है, जैसे बताया हम 70-72 साल से हैं, शीलू बहन 40 साल से ऊपर है जीवन में, ब्रह्मा कुमारी बने, कोई बहनें देखेंगे 20 साल के होंगे, कोई 10 साल के होंगे, कोई एक महीने के अंदर भी अच्छे बन जाते हैं।